कि वो जो मोटिवेशन है ना मोटिवेशन बहुत टेम्पररी होती है ठीक है ये जो ये जो तुम्हारे अंदर अभी इतना स्ट्रांग ये है कि हाँ भाई मैं तो करके दिखाऊंगा वो जो चीज़ है ना वो टेम्पररी है बीच में क्या होगा कि कुछ होगा तुम्हारे साथ में या लाइफ होगी या तीन चार दिन का तुम्हारे ब्रेक आ जाएगा तुम जो भी कर रहे हो उसमें और फिर तुम वापस उसी लेड बैक एटीट्यूड में पहुँच जाओगे तो मोटिवेशन जो है ना वो आती जाती रहती है चीज़ें करने के लिए या टू रीच योर गोल यू नीड डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ठीक है तो ये जो चीजें है ना इट्स एज सिंपल एज ये पता होना कि जैसे सुबह उठ के तुमको ब्रश करना है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल शायद वो नहीं करते होंगे मुझे नहीं पता मे बी अ बैड एग्जाम्पल हियर बट तुम्हें पता है कि तुम्हें सुबह उठ के ब्रश करना है इर ऑफ हाउ यूर फीलिंग या क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है तुम्हें नहाना है तुम्हें खाना खाना है दैट इज अ पार्ट ऑफ यू एंड स्टार्टिंग एनी हैबिट हैज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ यू इर रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यूअर फीलिंग क्योंकि अगर तुम अपनी फीलिंग्स अटैच कर लोगे ना किसी भी चीज़ के ओ एम नॉट फीलिंग लाइक है टूडे ओ चलो आज ऐसे कर लेते हैं ओ इंस्टाग्राम में आज इस लड़की ने मुझे बोला है कि इट्स ओके बेब यू कैन टेक अ ब्रेक यू कैन हैव अ बर्गर और यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट चलो आज मैं वो कर लेती हूँ बट दैट वॉज नॉट एन योर प्लान दैट वॉज नॉट इन योर प्लान वो तुम्हारे अंदर के एक छोटे से डीमन ने बोला हाँ हाँ देख वो भी आज बर्गर खा रही है या हाँ हाँ देख वो भी आज ऐसे जिम नहीं जा रही है या हाँ हाँ देख वो भी ऐसे नहीं कर रही है तो चल अपन भी नहीं करते क्या हो जाएगा सो दैट वॉज योअर डीमन एंड यू लेट दैट डीमन टेक ओवर योर एंटायर प्रोसेस बट एनी वे एक्चुअली आई थिंक अबाउट टू ईयर्स अगो आइस आई पता नहीं इट्स वेरी रैंडम नथिंग हैपेंड ने सच या ऐसे कुछ बहुत ऐसे कुछ अपिफनी नहीं हुई थी बट आई पता नहीं सम हाउ आई like लाइक like लाइक यू नो हाउ यू लुक अप टू सम पीपल इन लाइफ यू हैव not नॉट but बट यू हैव आइडल्स राइट तुम उनको देखते हो और तुम सोचते हो यार सही है यार ये बंदे में क्या क्वालिटीज़ है यू नो देख के पता चलता है यार क्या सही बंदा होगा मतलब ये ऐसा बंदा है जिसको मतलब ना आई लुक अप टू और मुझे ऐसा बनना है बंदा बंदी जो भी है एंड वो सारी क्वालिटीज ना इट केम टू वाज लाइक डूड मुझे भी चाहिए लाइक इफ आई एम लुकिंग अप टू सर्टेन पर्सन और उसकी क्वालिटीज मुझे अच्छी लग रही है जैसे कि वो बहुत डेडिकेटेड है बहुत मोटिवेटेड है पैसे अच्छे कमा रहा है या फिर समझ लो बहुत मेच्योर uh, 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 है इंटेलेक्चुअल है दे हैव अ वराइटी ऑफ थिंग्स दट देर डूइंग इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम जस्ट वर्किंग सो so, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है या फिर उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है वो वाओ डूड ये तो मुझे भी करनी है सो दैट यू नो आई ऑल्सो इन माई ओन आईज आई डोंट केयर वाट द वर्ल्ड थिंग्स अवड एवर इन माई ओन आईज आई फील लाइक येस आई एम ऑल्सो दैट पर्सन आई डोंट हैव टू लुक आउटसाइड टू गेट मोटिवेशन और बी एन आइडल और लुक फॉर एन आइडल अवड एवर बट आई एम दैट पर्सन इन माई सेल्फ तो एक तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तुम्हारा ठीक है कि भाई मैं भी वो बंदा बनते जा रही हूँ लेक यू नो हाउ यू से रीचिंग योर हायर सेल्फ और तुमने एक अपने आप को एक तुम अब तुम्हारे दिमाग में एक हमेशा एक इमेज होती है किसी इंसान की जिसको तुम लुकअप टू करते हो कुड बी एनी बडी ऑफ पेरेंट्स कुड भी एन आइडल और एनी वन उस बंदे की एक इमेज होती है उसकी वैल्यूज उसकी कोर वैल्यूज तुमको बहुत अट्रैक्टिव लगती है और वो कोर वैल्यूज वही होती है जो तुम्हारे पास है नहीं इसलिए यू फाइंड दैट वैल्यूज अट्रैक्टिव क्योंकि तुम तुमको भी चाहिए वो और तुम्हें पता है कि वो उसको वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा है उसने मेहनत की है उसके अंदर डिसिप्लिन है उसमें डेडिकेशन है लेकिन तुमने कंक्लूड कर लिया है कि मेरे अंदर तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन तो ये सब तो चीज़ें है ही नहीं मतलब हम तो कर लेंगे यार हम तो जनवरी का वेट करेंगे अभी फिर क्या होगा एनी anyway, वे ये पता क्या मैं ना एक्चुअली बहुत बह जाती हूँ पर मैं तुमको पहले प्रोसेस बताती हूँ उसके बाद में हम शुरू करेंगे ठीक है सो टू ईर्स अगो आई स्टार्टेड ऑन माई फिटनेस जर्नी ठीक है एंड इट हैज़ बिन अ राइड आई वुडेंट से कि भाई इट इट वॉज ई ईजी मैंने बीच में बहुत बार आई हैव गिवन अप आई वेंट डाउन अ स्पायरल ड्यूरिंग माई यू नो ड्यूरिंग द टाइम एन आई शट डाउन द पॉडकास्ट तो उस टाइम तीन चार महीने लाइक आई गेंड अ लॉड ऑफ वेट एंड देन इट वॉज अगेन अ जर्नी टू गेट बैक बट आई न्यू दैट आई विल गेट बैक एंड उतना ट्रस्ट था मेरे ऊपर कि मुझे अपने ऊपर क्योंकि मैंने लास्ट दो साल में उसके ऊपर बहुत काम किया तो ठीक है चलो देर इज अ साइकिल बट एनी वे दी आइडिया इज़ तुम्हारा जो भी गोल है जो तुमने स्टार्ट करने का सोचा हुआ है फ्रॉम जनवरी आई डोंट केयर तुम जनवरी से स्टार्ट करो तुम फेब से स्टार्ट करो तुम मार्च से तुम अगले साल स्टार्ट करो या तुम जैसे मर्जी स्टार्ट बट अगर तुमने मन बनाया है ना कि तुमको एक गोल अचीव करना है ठीक है तो वो गोल ना ऐसे बैठे बैठे तुम्हारे घर पे नहीं आने वाला है या तुम्हारे को नहीं मिलने वाला है ठीक है वो मैनिफेस्टेशन एंड ऑल ऑफ दैट बट मैनिफेस्टेशन विल आल्सो हैपन इफ यू साइमल्टेनियसली वर्किंग फॉर इट इट विल गिव यू अ पुश टू रीच योर गोल्स मैनिफेस्टेशन मीन्स दैट यू कैन सी क्लियरली योर गोल वेयर यू वॉन्ट टू गो एंड वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ दैट इज विजुअलाइजेशन दैट इज लाइक येस दिस इज वेयर आई एम हेडिंग एंड यूनिवर्स प्लीज बैक मी अप एंड प्लीज गिव मी ऑल ऑफ वट एवर आई आई नीड इन माई लाइफ टू रीच दैट प्लेस right so that is manifestation according to me but at the same time i will do my job i will do what it is, what is required of me to reach my destination that is what i believe is manifestation Tum apna kam karo, rest you leave it on the universe you tell the universe this is what i want this is where i'm heading in life just please back me up please mera saath dena, so that i reach where i want to reach ओके okay? सिर्फ अगर बैठे रहोगे हाँ भाई मतलब मैं तो बस प्रार्थना ही करती रहूँगी सोने से पहले सुबह उठने के बाद और दिन में दस पंद्रह बार मतलब मैं बस यही मेडिटेशन करती रहूँगी कि हाँ बस ये मिल जाए वो मिल जाए ये मिल जाए ऐसा नहीं होता है सब मिल जाए मिल जाए नहीं होता कुछ किसी चीज के लिए काम भी करना पड़ता है एंड इट इज सो रिवॉर्डिंग इट इज सो रिवॉर्डिंग वैन यू नो दैट यू हैव पुट इन वर्क यू हैव पुट इन हार्ड वर्क उससे ना यू कैन स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड धीरे 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 जब तुमको दिख रहा है कि हाँ मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है मैं ये चीज कर सकती हूँ तो तुमने उसका एक स्केड्यूल बनाया तुम सब कुछ साथ में नहीं शुरू कर सकते कुछ नहीं चलेगा एक चीज से स्टार्ट करना होता है तो एक चीज जो अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ा गोल है राइट नाउ यू विल राइट दैट गोल डाउन से फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट इफ यू वॉन्ट टू जिस स्टार्ट ऑन योर फिटनेस जर्नी इफ यू वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग इफ यू वॉन्ट टू डू दिस इफ यू वॉन्ट टू डू दैट

पता है यार लेकिन अपने से तो होता नहीं है अपन ट्राई कर सकते देर इज नो कमिटमेंट इन योर साउंड देर इज नो कमिटमेंट दैट इज पुशिंग यू टूवर्ड्स दैट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम ट्राई ही कर रहे हैं हमने कुछ कमिट नहीं किया इस प्रोसेस को हम ट्राई कर रहे हैं होगा तो होगा नहीं हुआ तो अगले हफ्ते से क्या मीम डालना शुरू कर देंगे रिलेटेबल मीनस शेयर करना शुरू कर देंगे सो दैट वी फील गुड कि हाँ भाई दुनिया भी यही कर रही है वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बट एट द सेम टाइम देन विल स्टार्ट ब्लेमिंग अदर पीपल और विल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट कि नहीं ये वो ये वो दुनिया में अगर कोई बोल रहा है कि नहीं डेडिकेशन डिसिप्लिन तो वो तो खराब इंसान है और वो तो रोबोट है जो भी है ठीक है जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट डू इट ठीक है सो अंडरस्टैंड दैट वेन यू से वेन यू कमिट टू द प्रोसेस यू डोंट यूज द वर्ड आई एम ट्राइंग और आई विल सी और आई विल ट्राई नहीं यू विल डू इट दैट इज योर माइंडसेट इफ यूर माइंडसेट इज वीक तुम वो प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट कर पाओगे तुमने स्टार्ट करने से पहले ही वो फेल हो चुका है इर ऑफ वॉट इट इज

टेक टाइम जबरदस्ती नहीं है कि जनवरी से ही स्टार्ट करना है मेक अप योर माइंड माइंडसेट लेकिन स्ट्रांग रखना है मुझे ये करना है तो ये करना है नाउ वंस यू नो दैट यू आर सीरियस अबाउट वट एवर योर गोल इज फॉर दिस मंथ फॉर दिस ईयर फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू जॉइन जिम आई एम गोइंग देर सो दैट आई कैन रन लाइक से फाइव किलोमीटर्स इन ट्वेंटी मिनट्स ओके और से इफ आई वॉन्ट टू लूज अ लॉर ऑफ वेट दिस इज वेर आई वॉन्ट टू रीच इन दिस दिस पैन ऑफ टाइम या जैसे भी आपको ये करना है योर ट्रेनर विल हेल्प यू आउट विद डैट या जो भी है बट यू हैव टू मेक अ गोल आउट ऑफ इट ठीक है या फिर समझ लो मुझे रात को जल्दी सोना शुरू करना है या मुझे कुछ भी करना है जो भी करना है उसका एक एंड गोल क्या है ये मुझे यहाँ पे पहुंचना है सो यू राइट योर गोल डाउन पहले तो आपने अपना माइंड सेट बना दिया कि हाँ इस बार तो मैं करूँगा खत्म हो गई बात उसके बाद तुमने अपना गोल लिखा दिस इज माई गोल दिस इज वेर आई वॉन्ट टू गो ठीक है ये मेरा एंड डेस्टिनेशन है बात खत्म हो गई Third, um, just say I'll give you my example right now. I've started like the very latest thing that I'm doing is my hair care journey because uh, for a lot of you guys who don't know, uh, I was going through something called as telogen effluvium since about thirteen years. My hair fall was like uh, crazy. Uh, मेरे भी वैसे वो पंजाबी लड़की वाले बाल होते थे इतने सारे एंड देन लाइक यू नो इट्स जस्ट स्टार्टेड शेडिंग ऑन इट्स ओन एंड फिर जो भी है आई हैड लॉस्ट होप मैंने तो मैंने तो सोच लिया था कि भाई ये चलो इंसान परफेक्ट नहीं होता है क्या है क्या ही रखा है इन चीज़ों में कोई बात नहीं एक चीज़ हमारे पास भी परफेक्ट नहीं है भगवान ने बाक, बाकी बहुत कुछ दिया तो कोई बात नहीं उतने में खुश रहेंगे बट देन आई डोंट नो समथिंग चेंज्ड ओके समथिंग चेंज्ड इन मी एंड आई वाज लाइक व्हाई एम आई गिविंग अप व्हाई एम आई गिविंग अप सो सून विदाउट इवन ट्राइंग

तो चलो छः महीने देते हैं इस बार इफ इट डजेंट हैपन इस बार आफ्टर मी गिविंग माई हंड्रेड एंड टेन परसेंट इफ इट डजेंट हैपन देन आई कैन ब्लेम कि मेरी बॉडी खराब है या हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर बस बालों का तो कुछ हो ही नहीं सकता है या जो भी है बट जब तक मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ जब तक मैंने अपना हंड्रेड एंड टेन परसेंट नहीं दे दिया है तो मैं बोल नहीं सकती मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकती हूँ आई थिंक इट्स ऑल ऑन मी बिकॉज आई डोंट नो इफ इट विल वर्क और नॉट वर्क आई हैव जस्ट कम्प्लीटली अज्यूम्ड सो देन आई स्टार्टेड ऑन माई हेयर केयर जर्नी ठीक है और एक ना इनिशियल इंसैनिटी चाहिए होती है एक इनिशियल ऑब्सेशन चाहिए होता है वेन यू स्टार्ट आउट विद अ गोल एक ना थोड़ा सा पागलपन चाहिए होना होता है मतलब जब तुम ऑब्सेस हो जाओ ऑब्सेस हो जाते हो कि इसके बारे में और रीड करना है इसके बारे में और रिसर्च करनी इसके बारे में और जानना है ये क्या हो रहा है वो एक इंसैनिटी होती है जहाँ पे तुम छोड़ नहीं पाते हो उन चीज़ों को अगर तुम्हारे पास आसपास कोई बंदा जिम में जिस जाना शुरू कर रहा है या यू नो यू सीन दैट पर्सन लाइक डू समथिंग रिलीजसली उसको पूछना उसकी जो बिगिनिंग पार्ट होता है ना जब उसने वो प्रोसेस शुरू किया होता है ना तो एक थोड़ी सी इंसैनिटी हिट होती है जब वो बंदे जाना बंद ही नहीं करते सो द पॉइंट इज़ जब मैंने अपना हेयर केयर स्टार्ट किया I got obsessed. Like, I started reading. And not just anything. I was reading research articles. I was picking out picking out things which actually scientifically ye kar rahi hai and there's a proper research done on it. So I say randomly lag gayi I really went out because I was like, karna hai. I met my dermatologist, my trichologist, and she said that, you know, these are the things that you need to have, these are the things that you need to do. And I was like, it will happen, right? And she's like, it has to happen. It has to happen. There is no other way around it. If you do it, it has to happen. And that gave me a lot of confidence because she was like, "Ha, So then I went back. Apart from what she had given me or she had told me, I was like, there are other people on the internet who are sharing their stories and who have, you know, reached a certain, uh, uh, you know, state. तो उनको पता है देव बिन थ्रू इट एंड आई विल फॉलो दैम यू नो आई विल सी आई विल लर्न फ्रॉम दो देर एक्सपीरियंसिस एंड आई ट्राई टू इट ऑन माई एंड इट्स बी अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एयर बट आई विल नॉट गिव अप बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द प्रोसेस फॉर मी टू ट्रस्ट द प्रोसेस आई नीड टू रियली नो द प्रोसेस आई नीड टू डू माई रिसर्च वन हंड्रेड परसेंट तो इन वॉट एवर यू आर डूइंग राइट ना तुम्हारा जो भी गोल है ना जितना तुम रिसर्च कर सकते हो एंड वैलिड रिसर्च नॉट जस्ट रैंडम टिकटॉक वीडियोज या जो भी है एक्चुअल रिसर्च जो कर सकते हो ना जो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं जिसको तुम दस चीजों दस अलग अलग पेजेस पे या दस अलग अलग रिसर्च आर्टिकल्स में और कन्फर्म कर सकते हो तब जाके तुम वो चीज को मानोगे सो टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ बिलीफ यू नीड टू रिसर्च ऑन द प्रोसेस वंस यू हैव रिसर्च वन यू हैव गैदर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट वट एवर एंड हाउ एवर यू डूइंग इट यू नीड टू नाउ बिल्ड अ रूटीन अराउंड इट ठीक है तुमने सारा अपना सो मैंने अपना सारा रिसर्च सब कर लिया ठीक है एवरीवेयर uh, मैंने मैंने अपनी डॉक्टर को बोला कि दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोना ट्राई इट ठीक है दिस इज लिटरली वन लास्ट टाइम जो मैं इस चीज को ट्राई करने वाली हूँ अगर मैं अपना हंड्रेड एंड टेन मैं टू हंड्रेड परसेंट देने वाली हूँ अगर उसके बावजूद भी नहीं हुआ देन इट्स फाइन आई हैव नो वन टू ब्लेम एंड इट इज फाइन इट्स मे बी माई फेट एंड आई विल एक्सेप्ट इट ओके बट अभी आई विल इट फ्रॉम ऑल साइड्स मैंने हर चीज़ के बारे में बैठ बैठ के रिसर्च की है हर चीज़ कैसे अफेक्ट हो रही है इवन इन अ वेरी माइन्यूट अफेक्टिंग एंड इफ इट इज गिविंग मी बेटर रिजल्ट इन द लॉन्ग टर्म आई इट इतना माइन्यूट की शायद उसका छह महीने में भी रिजल्ट नहीं आएगा बट आई नो इन इट है लॉट इन द फ्यूचर आई नो दैट सो इट नॉट जस्ट वन थिंग की हाँ डॉक्टर ने एक दवाई दे दी है तो वो अब दवाई खा लो अब उसी दवाई के सहारे हम बैठेंगे और जब होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा नो आई मेड अ प्रॉपर स्केड्यूल ऑफ क्या क्या चीजें खानी है क्या क्या सप्लीमेंट जाना चाहिए बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एक्सेट्रा सो दैट इज द कांड ऑफ डेडिकेशन दैट आई हैव टू वर्ड्स मेकिंग इट वर्क इस्पेक्टिव नहीं अगर काम कर रहे तो भी मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है इट्स बेटर टू लूज द राइट वे दैन टू विन द रॉन्ग वे ऑलवेज रिमेंबर दैट अब तुमने अपना प्रोसेस ले लिया है अब तुम उसको ब्रेक डाउन करोगे इन टू स्मॉल 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 गोल्स ठीक है तुम तुम फाइन यहां से ना पॉइंट ए से पॉइंट डी तक डिरेक्टली जंप नहीं कर सकते हो यू विल हैव टू गो थ्रू पॉइंट बी पॉइंट सी राइट और बीच में और भी जो छोटे मोटे पॉइंट्स आएंगे वो भी तुमको करने ही चलने ही पड़ेंगे यू कैन बी लाइक ठीक है मैंने ए से डायरेक्टली मेरे को अभी मैंने एक महीना बहुत काम कर लिया या मैंने एक महीना इसके ऊपर पूरा अपना दे दिया बीच में मेरा वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी आ गया और बीच में ही मेरा सब कुछ हो गया बस दिस इज इट दिस इज वेर आई कैन स्टॉप इट नो नो यू कैन स्टॉप इट इट बिकम्स यू इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू टिल दंड ऑफ लाइफ टिल दिल यू सी द गोल एंड मे बी मोर ठीक है One month, two months, one year is probably not the time period that that it will take to like, you know, achieve results. You will probably need more. Who knows? Who knows? It's up to you to decide. But you will also know that you you can to stop you can you can you can see i you can you know that you did not i you i did not you hence i never saw results so now you need you your Goals into smaller goals. So for me, what I do is I have weekly goals. To achieve that big long term goals, I have weekly divide weekly. ठीक है कि हाँ मुझे ये 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 वीक में ये है मेरा स्केड्यूल दिस इज माय रूटीन तो मैं पहले सुबह का रूटीन फॉर माय हेयर फॉल इज़ दिस रात का रूटीन इज दिस मंडे का इज़ दिस मंडे को मैं ये यूज़ करती हूँ ट्यूसडे को मैं डर्मा रोल करूंगी मैं वेंसडे को मैं ये वाला क्रीम लगाऊंगी मैं वो लगाऊंगी वो करूँगी मैं रात को ऑयलिंग करूँगी ये तो मैंने एक वीकली स्केड्यूल बनाया उस वीकली स्केड्यूल को बनाने के लिए मैंने हर चीज़ रिसर्च की है कौन सी चीज़ जारी है इससे क्या बेनिफिट हो रहा है इसको कैसे यूज करना है कब तक यूज करना है क्या है कैसे है वो सब चीज़ों का मैंने एक वीकली स्केड्यूल बनाना है सो दैट यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर गोल्स आई एम गिविंग यू माई एक्जाम्पल राइट नाउ ठीक है यू डो हैव टू स्टिक टू वट आई एम डूइंग बिकॉज ऑब्वियसली ये सबका रिसर्च सबका प्रोसेस इज डिफरेंट फॉर एवरीथिंग राइट सो आई हैव डिवाइडेड इट इन अ वीकली मैनर अब ये प्रोसेस है अपने पास ये प्रोसेस को मैंने वीकली डिवाइड कर दिया है विच मीन्स कि मुझे हर दिन ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है ना वॉट हैपन्स इज अर्लियर वेन आई स्टार्टड कभी कभी ऐसा हो रहा था कि वो वीक में एक दिन मिस हो रहा है गलती से दो दिन मिस हो गए हैं, या फिर मुझे रात को नींद आ गई जल्दी तो मैं अभी सो रही हूँ या जो भी है दैट हैपन्ड एंड देन आई रियलाइज ये दिस इज नॉट गोन अ वर्क बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है कि जब एक बार वो हैबिट शुरू हो जाती है ना छोड़ने की जाने की छोड़ने की जाने की वो कंसिस्टेंसी चली जाती है वो डेडिकेशन चला जाता है वो मोटिवेशन का फिर तुम वेट करते हो आएगा या जो भी है तो उसके लिए आई फिगर दैट आई नीडेड अ हैबिट ट्रैकर सो हैबिट ट्रैकर कैसे भी बना सकते हो तुम जो जैसे मर्जी तुम्हें पसंद है तुम बुक में लिखना शुरू कर दो और उसको मार्क करना शुरू कर दो कि मंडे को मंडे को ट्यूजडे को ये वेंसडे को थर्सडे को सो so, तुमने एक पूरा एक मंथली एक बुक में लिख दिया है कि मुझे ये करना है समझ लो मेरा डाइट से रिलेटेड डाइट हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट बी लाइक डाइट टिक ठीक है तुमने पहले पूरा मंथ का डेट लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन उसके बाद में तुमने लिख दिया कि हाँ डाइट फॉलो कर रही हूँ मैं ये फॉलो कर रही हूँ वो फॉलो कर रही हूँ और जो जो तुमने किया है आज के दिन में वो तुमने उसको टिक कर दिया तुमने टिक कर दिया तुमने टिक कर दिया एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग वेन यू वैन यू हैव फिनिश्ड और यू यू हैव कंप्लीटेड दैट प्रोसेस ठीक है जस्ट गो बैक इन द डायरी एंड इट ऑफ एंड इट इज सो रिवॉर्डिंग जब तुम दस दिन के बाद देखते हो कि भाई मैंने दस दिन ये कंटिन्यू किया जब तुम दस दिन ये कंटिन्यू करते हो ना और तुमको दिख रहा है कि तुमने किया है तुम्हारे पास प्रूफ है यू हैव दैट प्रूफ ऑफ वर्क टू शो योर सेल्फ to टू एनी क्योंकि किसी और का फायदा नहीं हो रहा है किसी के लिए नहीं है, तुम्हारा गोल है तुम्हारा पर्सनल गोल है कोई तुम्हारे लिए आके ताली नहीं बजाने वाला है ठीक है तो तुमने जब वो दस दिन टिक कर दिया है ना उससे और मोटिवेशन दिस इज वेर यू फाइंड मोटिवेशन यू फाइंड मोटिवेशन विद इन योर सेल्फ इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस Okay, you go and you take all of that. एंड देन यू गो बैक अगेन एंड यू बी लाइक मैंने लास्ट दस दिन किए बस अब मैं और इसको कर सकती हूँ अब मैं और इसको कर सकती हूँ अब मैं और इसको कर सकती हूँ टू मेक योर हैबिटि और वट एवर प्रोसेस यू हैव टू रियली एन्जॉय इट नाउ आई हैव रेड अ कपल ऑफ बुक्स आई विल रिकमेंड दोन इज अटोमिकबि दैट इज ग्रेट दिस अटोमिकबिट्स की ही बहुत सारी चीजें आई एम टॉकिंग अबाउट टूडे बिकॉज आइव सॉर्ट ऑफ अप्लाइड इट ओके सेकेंड इज़ बुलेट जर्नलिंग दट इज़ हेल्प मी टू सॉट ऑफ लाइक फिगर आउट कि मुझे कैसे अपनी हैबिट्स ट्रैक करनी है मुझे कैसे जर्नल करना है हर चीज

रात को जब मैं हेयर केयर रूटीन करती हूँ और मैं बहुत टायर्ड होती हूँ ऐसे भी बहुत हुआ है मैं बहुत लेट आई हूँ घर पे और मुझे नहीं करने का मन कर करे बट देन देव स्टिल पुष्ट माई सेल्फ आई एम लाइक डूड अच्छे दिनों पे और इजी दिनों पे तो सब कर लेते हैं बट यही है तेरा टेस्ट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दिस सिम इ जस्ट डू इट जस्ट डू इट तो वट आई डू इज़ एवरी नाइट आई एक्चुअली वॉच नेटफ्लिक्स

तो उसके लिए आई न्यू दैट देर वो सर्टन मोटिवेशनल पेजेस जैसे वो बेन लाइनल स्कॉट टाइप के पेजेस जिसके अंदर वो लोग छोटे छोटे इंटरव्यूज लेके रखते हैं एंड देन यू नो दे मेक दो वीडियोज आउट ऑफ इट जो कॉम्पिनेशन और उसके पीछे से एकदम हैवी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बन रहा होता है दिस इज वॉट यू अचीव इन दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ यू विल नीड डिसिप्लिन और ये वो तो वो मैं फुल ब्लास्ट पे चलाती थी गाड़ी में और मैं वो सुनते हुए जाती थी ठीक है दैट यूज टू गिव मी अ लॉर्ड ऑफ मोटिवेशन सो ट्रैकर जब हो जाता है ना तो तुम्हारे को अपनी सच्चाई दिखती है तुम बोल नहीं सकते यार मैं जिम जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कितने लोग बोलते हैं जो हफ... जो दो महीने पहले दो बार जिम गए होंगे और उन्होंने ऐसे हाँ यार मैं भी जिम जाता हूँ बिकॉज मुझे पता है तुम जिम जाते नहीं हो तुम एक बार जिम गए थे ठीक है तो प्लीज़ उसको ऐसे ऐसे मत हाँ भाई मैं गया था बहुत बड़ी बात होगी अब तो मतलब अगले जन्म में जाएंगे जब भगवान अगली बार लाइफ देगा तब ये ये नहीं होता है स्टॉप लाइंग

देन यू कैन एड अ लिटिलो वंस यू सेटल्ड विथ योर गोल वन गोल तब तुम्हें पता चल गया कि हाँ ये प्रोसेस है चलो अब ये दूसरा वाला भी मैं इधर ऐड कर सकती हूँ ये मुझे यहाँ पर टाइम दिख रहा है अपने दिन में मैं यहाँ पर एक चीज और एड कर सकती हूँ वैसे लेके चलना है सब कुछ साथ में लेकर चलोगे तो कुछ नहीं होगा द लास्ट थिंग इज देट यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी टाइम यू अचीव अ छोटा सा माइल स्टोन से फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कि मैं पंद्रह दिन अगर कंसिस्टेंटली ये करूँगा तो मैं अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दूंगा रिवॉर्ड कोड भी एनी थिंग रिवॉर्ड कैन बी एनी थिंग लिटरली इट अ स्मॉल थिंग अ स्मॉल गिफ्ट फॉर योर सेल्फ उससे मैं सैलॉन जाके ये कर लूंगा या फिर मैं अपने लिए ये खरीद लूंगा या वो करूँ ये मेरा बजट है अगर मैं पंद्रह दिन तक मैंने ये कंसिस्टेंटली किया तो उसको मैं सेलिब्रेट करूँ वैन यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर योर ब्रेन रिमेंबर्स कि ये हमने लास्ट टाइम सेलिब्रेट किया था इसको हमको अभी मैंटेन करना है तो अगर आगे करेंगे तो हम वापस क्योंकि जब एक बार तुमने सेलिब्रेट किया अगले फिफ्टीन डेज के बाद इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट यू विल फील गिल्टी अबाउट इट यू विल फील बैड अबाउट द होल थिंग दैट एक ही बार फिर ने सेलिब्रेट किया इस बार uh, मेरे से नहीं हुआ एंड सो दैट विल पुश यू मोर टू वर्क हार्डर नाउ इट कैन वर्क बोथ वेज यू कैन ईदर विक्टमाइज योर सेल्फ एंड बी लाइक नहीं हो रहा है यार मुझसे मैं तो नहीं कर सकता हूँ या जो भी है एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू पुश माइ सेल्फ एंड ऑल दैट दट्स फाइन दैट्स फेर यू ट्राई टू फाइंड दट यू नो दट स्ट्रेंथ विद इन यू टू पुश योर सेल्फ टू अचीव योर गोल्स बिकॉज इट्स नॉट फॉर एनी बी एल्स इट्स फॉर यू सो डोंट बी द विक्टम ऑफ योर लाइफ जस्ट ओन इट ठीक है और रिवॉर्ड करोगे ना तो अपने अंदर एक तुम तुमको समझ में आता है कि हाँ आई एम अचीविंग समथिंग पता चलता है याद रहता है कि मैं अचीव कर रहा हूँ उसकी एक हैबिट बनती है स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट विद समबडी लाइक फॉर एग्जांपल फाइंड योर सिबलिंग और मे बी योर पेरेंट और अ फ्रेंड और हु इट इज़ वन पर्सन हु विल बी हैप्पी टू लाइक यू नो सेलिब्रेट दैट गोल विद यू अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज दैट आई थिंक हम इंस्टाग्राम पे वी हैव बिन लॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड कि जनवरी में किस टाइप के मीम्स आते हैं फेबर में किस टाइप के मीम्स आते हैं मार्च में किस टाइप के मीम्स आते हैं और अक्टूबर नवंबर में तो गिविंग अप होप्स वाले ही मीम आते हैं right? राइट तो तुमको यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स जिनको तुम रिलेटेबल बोलते हो जिन चीज़ों को तुम बोलते हो कि हाँ यार उससे भी नहीं हो रहा मुझसे भी नहीं हो रहा या जिस जहाँ पे कोई ऐसे मीम डाल रहा है ओ जनवरी इज गॉन नाउ विल वेट फॉर नेक्स्ट ईयर ओ आई कूडेंट डू दिस बट हा 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 और वट एवर जो भी वो मीम्स होते हैं ना एनी थिंग दैट इज मेकिंग दैट गोल ऑफ योर लुक वेरी फ्रिविलेस हाँ नहीं भी होगा तो भी चलेगा फिफ नॉट दैट देन वॉट इज लाइफ तुमको सिर्फ सारा दिन सोना है खाना है पीना है बस वही करना है ग्रेट But I don't think you're 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 actually enjoying the essence of life, the essence of being sad about not getting something, the essence of that happiness that you that you get when you reward yourself and when you achieve something in life with your own complete hard work. You know, so you're missing, to life. Or hai life? Just tell me. What else is there to life if not all of this? If not all these emotions that you go through when you have to push yourself to achieve something? So take responsibility of who you are it's not just this year come back to the video when you need to again trust me you got this set small small goals set a bigger goal break it down to smaller goals reward yourself keep a habit tracker enjoy the rewards share it with a friend share it with somebody else also motivate another person they will join you and then you know you guys can do it together and stay away from all the negativity you do not need all that you just do not need all that. You need to identify what is stopping you and you need to stop engaging with all of that. Okay? I was that person just routine banana routine But now I have. I have multiple routines, and I'm so happy that I'm able to, you know, slowly and steadily get there. It's a long term process. You need to really like look at it, but I will get back. So I guess with that, it's a wrap. I hope you guys are pumped. Uh, to achieve all of those goals that you've set for yourself i have a few goals i will keep you posted Uh, मुझे तो अभी तक बहुत मज़े आ रहे हैं जो भी मैं करती हूँ uh, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई अगर मैं ये कर पाई थी तो मैं ये भी कर पाऊंगी मैं वो भी कर पाऊंगी और वो कॉन्फिडेंस ना बस वो मल्टीप्लाई होता है इन लाइफ अगर तुम बस शुरू हो जाओगे ना किसी चीज़ पर फिर तुम अपने आप को एज अ वॉरियर एज अ दिस एज अ दैट देखने लग जाओ तो कि भाई मैंने वो कर लिया बिकॉज मैंने किसी और के लिए नहीं किया मैंने अपने लिए किया तो मेरे दिमाग में तो मैं वॉरियर हूँ मैं अपने आप को किसी और वॉरियर से कंपेयर नहीं कर रही हूँ सिंपल सी बात है तो अपने गोल्स को किसी और के गोल्स के साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है वो होगा अपने लाइफ में जो भी है तुम अपनी लाइफ में जो भी हो सिंपल उतनी क्लैरिटी चाहिए होती है अगर उतनी क्लैरिटी नहीं है और अगर तुम अभी भी उन्हीं उन्हींट्स के अंदर डिस्ट्रैक्टेड हो तो देन इट विल टेक टाइम ओके लाइक यू नीड टू फर्स्ट क्लियर योर हेड यू नीड टू फर्स्ट क्लियर द डिस्ट्रैक्शन इन योर हेड एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग बट एटलीस्ट स्टार्टिंग एंड गेटिंग ऑन दैट जर्नी इज अ बिग थिंग ओके तुमको अपने प्रोसेस कंटिन्यू करने हैं जब तक तुमने खुद नहीं फाइंड आउट किया कि हाँ भाई दो साल हो गए कुछ नहीं हो रहा और मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया हैबिट ट्रैकर में मेरे पास प्रूफ है मैंने इतने टाइम से ये सब कर रहा हूँ इससे कुछ नहीं होता है तो हाँ ठीक है बट मैं बता रही हूँ तुमको अगर तुम ये चीज़ कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ इन लाइफ अगर तुम कंसिस्टेंटली इतने डेडिकेशन के साथ इतने टाइम के लिए करोगे ना सवाल ही नहीं है दैट यू विल नॉट बी एबल टू रीच इट ठीक है सो बिफोर यू से दैट हाँ ये वो जो भी है गिव इट अ शॉर्ट with that, it's a wrap. i hope you guys enjoyed this video. if you did, do not forget to give it a big thumbs up. also, like, share, subscribe, comment, what are you starting this year? and what are your goals and how are you planning to go about it? and also, don't forget to follow us on our instagram page, which is simi said. what and every wednesday on uh, your favorite audio platform, spotify, apple, seven, amazon, hamko. don't forget to catch us there. and with that, it's a wrap. and also, don't forget to give us a rating. five-star rating, sikkim will be nailing it. so with that, it's a wrap. एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड जिसको भी जरूरत है आज के डेट में यह सब सुनने की या फिर इफ़ यू नो समी यूज़ करना स्टार्ट ऑन अ जर्नी शेयर इट विद अ फ्रेंड टू शो दैट यू लव एंड यू अप्रिशिएट दैट डिसीजन एंड विदाउट इट रैप आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाई